अफसर संगला जय सेवा जय गुरुदेव जय बड़ादेव। मैं पहले मोर नाम बताता हूँ और अपन जो है परिचय देना चाहता हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा दिन नहीं हुए थे बड़वाना जो है तुम्हें से जुड़े हूँ क्रांति से। मोर नाम भागवत प्रसाद कंवर है, जो कि एक हमन से उप जाति है, मतलब कंवर, और हमर जो जाति है वो चेरवा। हाँ, तो ये जब मतलब आंदोलन के बारे में जाने अखर बारे में पढ़ें तो मेरा लगी कि वास्तव में कि गोडवाना कहा है और गोंड में का अंतर है। कई जन जाति में भी लिखे ना, है ना, तो एक कम से कम मेरा 3 साल लगे ये में जुड़े हुए। और आज दादाजी के मतलब जो विचारधारा है, विचारधारा महू मतलब स्वीकार करा था, और आज मैं मतलब तुमन के समाज में जाके बैठा था उठा था, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसे ही आप मन भी मतलब अपने ही मतलब कास्ट लमत लेगा, दूसरे भी कास्ट है जैसे गोड़ है, पैनका है, है ना, और जो भी है, है ना, अहू मन अपन साथ में बुला और मतलब गोड़ और गोंडवाना के बारे में बतावा का अंतर है, और जितना भी मतलब गोंडवाना भूभाग है उसमें रहने वाला सभी मतलब पहली ये मतलब इतिहास में जो रही ना सब गोड़े ही रही। अब धीरे धीरे वह मतलब जाति के अनुसार सब बढ़ते गए। बोला हम पढ़े ना, तब जाके मैं भी मुँह लगी कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए और सामने वाले प्रेरणा करना चाहिए। तो ओखर लिए तो सब दबा जो बाबा साहब ने हमारे लिए सब लिखी नहीं, इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, और कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। सिर्फ मरने के डर से खाते हैं, तो अभी मर जाओ, मामला खत्म, मेहनत बच जाएगी, मरना तो सबको एक दिन है। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीर में जकड़े समाज को आज़ाद कराओ, और अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नज़र में इंसान हो वही है जो समाज के लिए चिंता करे और समाज के लिए कार्य करे। ये बाबा साहब ने हमला ऐसे बोल के गए हैं। तो अधिकतर इंसान मन बस अपने ही मतलब घर गृहस्थी में सब है, कोई ध्यान ही नहीं देते समाज के लिए। तो वैसे भी जिंदगी का मतलब के जो हमारे पूर्वज मन इतना मतलब कुर्बान दे हैं समाज के लिए, आंदोलन करे है, वो चीज़ ला आज हम मतलब नहीं कि आज जो भी मिले तो उनके बदौलत से मिले हैं, ना कि हमारे बदौलत से। आज मन संघर्ष नहीं कर रहते, नहीं लड़ रहते तो आज हम आज़ाद नहीं जी सकते, ना खाते पीते नहीं। तो ये सब चीज़ हम बना के चलना है, है ना। और जैसे कि अभी महोदय अपन जो भी बात विचार लगी मैं उखर बात से मैं पूरा सहमत हूँ, और दादाजी बोले रही 10 रुपये पैसा और 1 किलो चावल, है ना, और एक थोड़ा और है 1-2-10 फार्मूला, वो चीज़ ला मतलब हमारा तो समय सर्कल के नियम करने छे, लेकिन गांव में भी 10 जन हो जाते हैं तो एक वार्ड में भी कर सकते हैं, 4-5 वार्ड है, तो 4-5 वार्ड में भी 10 जन हुआ था, तो उखर से 10 जन टीम बना के महीना में 10 रुपये पैसा और 1 किलो चावल। अभी यह शायद राजनाम के गाँव की बात है, महिले मनुमन शायद 3 या 5 लाख रुपये इसने कर करके चंदेज कटाए थे। महिला मन जैसे खाना बनाती तो ज़्यादा नहीं, सुबह आधे मतलब 1 मुठा चावल निकाल के रख दे खाना बनाने से पहले, और क्या कहते हैं जोर लगे कहीं डाल देते कहीं, और फिर बाद जब शाम के हुई तो शामों के उसने 1 मुठा निकाल के मतलब अलग से वही सब वाला कितना पैसा बना के देगी वह अनुमान नहीं कर सके। तो ये सब चीज़ हमारा चलना है लेके, और मतलब कोई दूसरा समाज है तो साथ भेदभाव नहीं करना है, काबर को हमारा आदिवासी भाई है। अखर पढ़े बहुत टाइम लगते हैं, साठ काट में भी बताए तो समझ में नहीं आए। गुडवाना लेन और लसरिया लेन जो है ना, अंगारा लेन, तो बारे में पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। अभी वो साठ काट में बताऊँ तो मुझे एक आध दिन अच्छा से मीटिंग रही, तो दिन महंगा अब तो आना जाना तो लगे रही मीटिंग में, तब जाके बोलूँ तब ठीक रहे, क्या कि अभी बता दिया था थोड़ा सा दूसरे छे, है ना, तो बहुत ही जरूरी है। जैसे कि महोदय बते धर्म पोड़ा, तो धर्म कोड़ा बहुत जरूरी है। आज हमारे मतलब समाज में हमारे आदिवासी कहा जाए हमारे कुछ है ही नहीं है, बस धार्मिक संस्कृति बस है। अवादर समाज में देखी कहा जाए धर्म में तो उनके ग्रंथ है
चर्च है, मंदिर है, हमारा का है कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ जो संस्कृति है वही बस हमारा बचा के रखे है, नहीं तो हम मन कोई गिनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी आदेश दे देती कि इकर करा कुछ नहीं है, तुम्हारा हिंदू है, लेकिन हमारा जो धर्म संस्कृति है बची से, और संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के 303 और 342 अनुच्छेद में लिखे गए है क्या होते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, ST SC OBC जो भारत के मूल निवासी, लेकिन हमने जबरदस्ती लिखा था। हिंदू के मतलब होते चोर, लुटेरा, डकैत, यही होते हिंदू धर्म के। तो बहुत जरूरी है ये सब कुछ ले जाना। और उखर साथ साथ में पेशा कानून आप मन कर ग्राम सभा, ग्राम सभा में भागीदार लेवा हिस्सा बना, उन्हों में अध्यक्ष चुना। ग्राम सभा में इतना मतलब अधिकार दे दे है कि कोई बाहर से आदमी नहीं आ सके, हमारे मतलब परमिशन ले पाए प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, वो भी परमिशन ले पाए। अगर हमारे गांव में मतलब जैसे कि अभी सुने में आए हैं जेजगी में जब खदान खुलत रही तो मतलब जब तक ग्राम सभा वहाँ नहीं देती तब अनुमोदन नहीं होती तब तक वहाँ खदान नहीं खुलती। इतना हमारा अधिकार है, वो अधिकार ने पढ़ा और समझा सलाईकोट में, सलाईकोट में सलाईकोट है। तो यू बहुत जरूरी है पैसा कानून है ना। और ऊपर साथ साथ में आप मन कर बहुत बड़ा मतलब निवेदन करता हूँ, जैसे आप मन बुजुर्ग हो है तो हमारे एज के लड़का है अपन घर में बेटा है तो वह मन लाना ताकि अहू मन सीखे। और तुझ में नहीं है तो तुम कब तक चलिया, अहू मन जब तक आही तो तुम्हारे जरिए अहू मन सीखी ताकि अपन आने वाले पीढ़ी ला बता सके। अब तो कोई सीख के तो नहीं आए, जो सीखना नहीं है तब तब जान ही तब बताए है ना। अब जैसे कि महोदय अभी आगे अभी जो भी हमारे पुरुषा देवी देवता दिया था हमराज है ना, और हमारे आज तुम्हें लड़का वाला कहे चल तो दे तो मैं नहीं जाने, नहीं जाने कौन ला का करना है किसे करना है इधर के। तो जब तक तुम अपन घर के लड़का ला नहीं आनी है बड़े कम से कम सीखा तो हमारे माध्यम से सीखी मैं, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं सीखी। अब दूसरे के देवी देवता ला घर में सजा के रखे हैं, अपन देवी देवता ला मानते नहीं है ना। जो प्रकृति है भगवान जो बोलते हैं भगवान ला मैं प्रमाणित कर दूँ कि वास्तव में कौन भगवान है, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो वो भगवान है और जो हमारे भगवान है थे। भगवान दो ही भगवान है, एक माता और पिता जो हमारा जन्म दे से माँ 9 महीना से पेट में करते ओखर से भगवान बढ़ते कोई दुनिया में नहीं है। ओखर बाद जब हम धरती में आथन जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु एक से बड़े कोई भगवान नहीं है। हम कहा ना जाब जिस दिन धरती मान ले मना कर दे कि मतलब इसमें कौन चल मतलब चलना तो बंद है, हवा लेना बंद है, पानी पीना बंद है, तब हम ही हिंदू धर्म के अनुसार भगवान बुलाबो तो कौन भगवान आके खड़ा कर दे कि मैं तुरा पानी देता हवा देता हूँ। ऐसे बहुत बहुत छोटे से बात है आज वो जो नहीं पूरा हो सका है तो अब धीरे धीरे मीटिंग करिए। अब कोशिश करिए कि मतलब नवा युवा मतलब भी ला के नवा नवा युवा मतलब भी ला के ताकि जानकारी मिले यही तक के अपन बात अभी विराम करा दूं। जय सेवा, जय बुढ़ा दो, जय बुढ़ा दो।